अच्छा ये बड़ा कमाल होता है, जब भी कोई सख्ती होने लगती है ना, तो आपके साथ भी हुआ होगा कि अधिकारी और कर्मचारी पता क्या बोलता है, सख्ती हो गई है भैया, पैसे ज़्यादा लगेंगे, पकड़े जाने पे बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो करप्शन का ग्राफ और बढ़ जाता है जैसी सख्ती होती है। करप्शन का सबसे ज़्यादा असर पड़ता किस पे है? आम आदमी पे, गरीबों पर, और उनके हिस्से की जो राहत होती है करप्शन के पेट में चली जाती है। 76 साल बीत गए, जितनी भी सरकारें आई सब ने कहा करप्शन मिटानी है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, पर खत्म हुआ नहीं। लोगों का सबसे बड़ा सिरदर्द आज भी भ्रष्टाचार है, छोटे दफ्तर से लेके बड़े से बड़े उद्योग और जो धंधे होते हैं वहाँ तक को फाइल क्लियर करवाने के लिए ये दिक्कत झेलनी पड़ती है। खासकर सरकारी सिस्टम में फैला हुआ भ्रष्टाचार हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, कोड है। हमारे संवाददाताओं ने कई शहरों में इसी मुद्दे पर जाकर लोगों से भी बात की कि भैया आपका क्या हाल है भ्रष्टाचार को लेके। कहाँ के रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, एनी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वहाँ पे जो लाइन जो लगी रही थी, तो लाइंस में जूझने से बजाय हम किसी को अगर देते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है, ऐसे मैंने भी सहा है। हाँ यस, जन्म से लेके मृत्यु तक हमें हर जगह कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे हमारा कनेक्शन हो पानी का, चाहे बिजली का कनेक्शन हो। हमारे प्लॉट वगैरह का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार जो है टाइम लेता है कि भाई 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, उसके बीच में बोलते रहते हैं फ़ोन करके कि आप पैसे खिलाओ, आपका काम जल्दी कर देंगे। मेरा खुद का मकान बन रहा है, मैं 10 दिन से दौड़ रहा हूँ कनेक्शन के लिए कि मुझे कनेक्शन दे दीजिए, और उसके बाद झूठ मूठ का दिखा रहे हैं, हाँ कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप भी पीड़ित हैं। मैं पीड़ित हूँ। रेशनिंग कार्ड निकलने गया था तो नहीं मिल रहा था, तो मुझे थोड़ा देना पड़ा। ऐसे बहुत सारी ड्राइविंग लाइसेंस है तो जो जल्दी होने के लिए करना पड़ रहा है। सब परेशान है, लोगों को सरकारी काम करवाना हो ना तो पैसे देने ही पड़ते हैं। सवाल है कि क्या हमारे पास करप्शन से लड़ने का मैकेनिज्म नहीं है? भ्रष्टाचार को हराने के लिए क्या कोई हथियार नहीं है, डराने के लिए कोई हथियार नहीं है, या फिर इच्छा शक्ति की कमी है? सबसे पहले बात लोकपाल की करते हैं। डॉक्टर M.L. सिंघवी सांसद थे, 1963 में उन्होंने पहली बार लोकपाल की बात की, मुद्दत पहले 1968 में राज्यसभा में पहला लोकपाल बिल पास भी हो गया, लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 2014 में, मतलब लागू करवाने में ही हमें 46 साल निकल गए। इसके बाद पहला लोकपाल नियुक्त कब हुआ? सरकार नियुक्त करने लगी और नियुक्त करते करते 2019 आ गया, यानी 5 साल फिर निकल गए, 14 से 19 आ गया लोकपाल की नियुक्ति करते करते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।